बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आई एम अफशाम, वेलकम टू माय चैनल कुक एंड नुक। आज हम एक बहुत ही शानदार सा मीठा बनाने वाले हैं। इसको आप किसी भी दावत के लिए एक दिन पहले ही बनाकर फ्रिज में रख सकते हैं। तो आज हम बना रहे हैं बहुत ही डिलीशियस सी ब्राउनी ट्राइफल। साथ ही हम आज आपको ब्राउनीज़ की फुल रेसिपी भी देंगे। इसके साथ आपको एक साथ दो दो रेसिपी मिलने वाली है। ब्राउनीज़ हमने विदाउट बटर और चॉकलेट की बनाई है। तो चलें इस रेसिपी को बनाना स्टार्ट करते हैं। रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिएगा और कमेंट सेक्शन में जाकर अपना फीडबैक दीजिएगा। तो चलिए वीडियो की तरफ चलते हैं। तो सबसे पहले हम बनाएंगे ब्राउनीज़। तो इसके लिए हमने ले लिए 2 कप पाउडर शुगर, 1 कप हमारे पास है ऑल पर्पज फ्लावर, 11 टेबलस्पून कोको पाउडर है, 1 कप हमारे पास ऑयल है, 4 अंडे हैं, 1 टीस्पून वनीला एसेंस, 1/2 टीस्पून हमारे पास सॉल्ट है, 1 टीस्पून हमारे पास है बेकिंग पाउडर। इन सब चीज़ों को रूम टेम्परेचर पे होना बहुत ज़रूरी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम अपने सारे ड्राई इंग्रेडिएंट्स को छान लेंगे। तो यहाँ पर हमने डाल दिया इसमें मैदा, साथ ही हम इसमें डाल देंगे कोको पाउडर, बेकिंग पाउडर और सॉल्ट। इनको हम अच्छे से छान लेंगे। तो देखिए मैंने सारे ड्राई इंग्रेडिएंट्स को छान लिए। अब हम इसको करेंगे साइड पर और अपने अंडे और शुगर वगैरह को बीट करेंगे। तो सबसे पहले हम इसको विस्क की मदद से मिक्स करके एक तरफ कर देंगे। अब हमने एक बोल ले लिया, इसमें हम ऐड कर रहे हैं पाउडर शुगर और साथ ही हम इसमें ऐड कर देंगे ऑयल और इसको हम मिक्स करेंगे मशीन की मदद से। अच्छे से मिक्सिंग कर लेंगे पहले इन दोनों चीज़ों को, उसके बाद हम इसमें बाकी के इन्ग्रीडियंट्स ऐड करेंगे। तो देखिए मैं इसमें ऐड कर रही हूँ ऑयल, 1 कप हमने ऑयल लिया हुआ है। आप इसको कोई सा भी वेजिटेबल ऑयल यूज़ कर सकते हैं जिसमें कोई स्मेल नहीं होती है। तो मैंने ऐड कर दिया ऑयल। अब हम इसको मिक्स करेंगे बहुत अच्छे से। तो देखिए यहाँ पर हमारी मिक्सिंग बहुत अच्छे से हो चुकी है। अब हम इसमें डालेंगे एक एक करके अंडा। तो चेक करके डालिएगा अंडा, बाज़ औक़ात अंडे ख़राब भी निकल आते हैं। तो हम एक एक करके इसमें अंडा ऐड कर रहे हैं। तो यहाँ पर हमने 4 अंडे ऐड कर दिए। इसमें हम डाल रहे हैं वनीला एसेंस और अब हम इसको मिक्स करेंगे बीटर से। तो देखिए यहाँ पर हमारी बहुत अच्छे से मिक्सिंग हो चुकी है, सारी चीज़ें बहुत अच्छे से कंबाइन हो चुकी हैं। अब हम इसमें डालेंगे अपने ड्राई इंग्रेडिएंट्स। तो इसमें हम मैदा और कोको का मिक्सचर डालेंगे 1/2-1/2 करके, एकदम से पूरा नहीं डालना है हमें, 1/2 करके डालेंगे और स्पैचुलर से इसको मिक्सिंग करेंगे। इसकी पहले हल्के हाथ से हम इसको मिक्स कर रहे हैं। तो देखिए थोड़ा सा हमने इसको मिक्स कर लिया। अब जो बाकी हमारा मैदा और कोको मिक्सचर रह गया वो भी हमने इसमें ऐड कर दिया। अब इसको हम दोबारा से मिक्स करेंगे। तो यहाँ पर हमारी मिक्सिंग हो गई है। अब हम इसमें थोड़ी सी देर के लिए, चंद सेकंड के लिए अपना बीटर का यूज़ करेंगे और उसको बहुत स्लो स्पीड पे मिक्स करेंगे। हमें ओवर मिक्सिंग बिल्कुल भी नहीं करनी है। तो बस जैसे ही ये मिक्स होगा हम मशीन को ऑफ कर देंगे। तो देखिए यहाँ पर हमारी बहुत अच्छे से मिक्सिंग हो गई है, हमने इसको ओवर मिक्सिंग नहीं की है, ज़्यादा देर इसको बीटर से बीट नहीं किया है। तो बस हमने एक ले लिया ग्रीस पैन, ग्रीस किया हुआ पैन ले लिया, इसमें हम इसको शिफ्ट कर रहे हैं और हमारा ओवर जो ओवन है प्री हीट और 180 पर हम इसको प्री हीट करा हुआ है ओवन को और इसको हम करेंगे 30 से 35 मिनट के लिए बेक। थर्टी फाइव मिनट के बाद हमारी ब्राउनीज़ बिल्कुल रेडी हो चुकी है। इसको हमने टूथपिक से चेक किया है तो बिल्कुल साफ़ आई है और इसको आप चेक कर सकते हैं साइडें, अगर ये छोड़ देती है तो बिल्कुल सही है। तो इसको हमने ठंडा होने के लिए छोड़ दिया था। तो यहाँ पर हमारी ब्राउनीज़ बिल्कुल ठंडी हो गई है। अब हम इसको बाहर निकालेंगे, डीमोल्ड कर रहे हैं इसको।
तो यहाँ पर हमने अपनी ब्राउनीज को डीमोल्ड कर लिया है। अब हम इसको कटिंग करके आपको दिखाते हैं। तो देखें बहुत ज़बरदस्त और सॉफ्ट सी ब्राउनीज बनी है, फजी ब्राउनीज। तो मैं अपने ट्राइफल के हिसाब से इसकी पीसेस कर रही हूँ, छोटे पीसेस चाहिए हमें। तो मैं आपको दिखाती हूँ कि ये कितनी सॉफ्ट बनी है। कटिंग कर रही हूँ तो आपको आइडिया हो रहा होगा कि कितनी सॉफ्ट बनी है ये। तो ये देखें कितनी ज़बरदस्त सी सॉफ्ट सी ब्राउनीज हमारी रेडी हुई है, फजी ब्राउनीज। अब हम बना रहे हैं चॉकलेट मूस, झटपट सा हम बनाएंगे चॉकलेट मूस। तो यहाँ पर हमने 2 टेबलस्पून क्रीम ले ली है और इसमें हमने 1/2 कप चॉकलेट डाल दिए। इसको हम डबल बॉयलर पे या फिर माइक्रोवेव में मेल्ट करेंगे। तो देखें हमारी क्रीम चॉकलेट जो है बहुत अच्छे से मेल्ट हो गई है। यहाँ पर हमने ले लिए 3 कप क्रीम, विप क्रीम लिए हमने हैवी क्रीम, और इसमें हम डाल लें 1/2 टीस्पून वनीला एसेंस। अब हम इसमें डालेंगे 3 टेबलस्पून पाउडर शुगर। हमारी क्रीम थोड़ी स्वीट होती है तो हम इसमें कम शुगर डाल लें। आप अपने टेस्ट के हिसाब से इसमें शुगर मिक्स कर सकते हैं। और अब हम इसको बीट कर रहे हैं, और हमें ज़्यादा बीट नहीं करना है अभी, सिर्फ इतना करना है कि हल्के से इसके पीक्स बन जाएं। तो ज़्यादा बीट ओवर बीटिंग नहीं करनी है। तो देखिए यहाँ पर हमने क्रीम को 1 से 2 मिनट तक के लिए व्हिप किया था, और अब हम दोनों को क्रीम को 2 बोल में बराबर क्वांटिटी में डिवाइड कर लिए। अब हम एक हिस्से में मिक्स कर रहे हैं अपनी मेल्टेड चॉकलेट, और एक हम क्विक सा चॉकलेट मूस बना रहे हैं। तो अब हम चॉकलेट मूस को बीट करेंगे बहुत अच्छे से, और अच्छे से सॉफ्ट से पिक्स बनाएंगे। तो देखिए हमारा चॉकलेट मूस बिल्कुल रेडी है, इस तरह का हमें चाहिए। तो इसको अब हम कर देंगे साइड पर। अब जो हमने 1/2 क्रीम साइड में करी थी, अब इसको हम अच्छे से बीट करेंगे और स्टिफ पीक्स बनाएंगे इसके। तो यहाँ पर हमारी क्रीम भी बहुत अच्छे से बीट हो चुकी है, और ये बहुत ज़बरदस्त सी व्हिप हो गई है। तो इसको हम करेंगे साइड पे। हमारी क्रीम भी रेडी है, चॉकलेट मूस भी रेडी है, और हमारी ब्राउनीज भी रेडी है। अब हम असेंबलिंग की तरफ आ जाते हैं। तो यहाँ पर हमने ले लिया 1 बोल जिसपे से हमारी लेयर्स अच्छे से नज़र आएंगी। तो सबसे पहले हम लगा रहे हैं ब्राउनीज की एक लेयर, अच्छे से प्रेस करके हम सेट कर रहे हैं चारों तरफ, साइडों से भी नज़र आए और नीचे बेस में भी अच्छे से हम ब्राउनीज को सेट कर रहे हैं। अब इसके बाद हम इसके ऊपर लगा देंगे चॉकलेट मूस की एक लेयर, और उसके बाद हम लगा रहे हैं इस पर व्हिप क्रीम जो हमने व्हिप करके रखी हुई थी। अब दोबारा से हम इसके ऊपर ब्राउनीज की एक लेयर लगाएंगे। तो इसी तरह से हम रिपीट करेंगे और अपनी एक डेजर्ट ब्राउनी ट्राइफल रेडी कर लेंगे। तो देखिए इस तरह से हमने ब्राउनीज लगा दिए। अब हम इसके ऊपर दोबारा से चॉकलेट मूस लगाएंगे, रिपीट करेंगे हम आपको सारी लेयर्स जिस तरह से हमने शुरू से लगाई उसी तरह हम रिपीट कर रहे हैं। तो हमने चॉकलेट मूस भी लगा दिए, और अब हम इसके ऊपर दोबारा से व्हिप क्रीम की एक लेयर लगा रहे हैं। तो इसी तरह से हम अपनी ब्राउनी ट्राइफल को डेकोरेट करेंगे, अच्छे से स्प्रेड कर देंगे क्रीम को। तो देखिए मैंने बहुत अच्छे से चॉकलेट मूस लगाने के बाद क्रीम भी अच्छे से स्प्रेड कर दी है, और अब हम इस पर डाल रहे हैं ब्राउनीज को। हमने थोड़ा सा चूरा कर लिया था साइडों में, इसकी लेयर लगा रहे हैं, और बीच में हमने चॉकलेट चिप्स डाल दिए हैं, और उसको ऊपर से हम चॉकलेट से डेकोरेट कर रहे हैं। तो ज़बरदस्त सी रेसिपी है, आई होप कि आपको ये वीडियो बहुत पसंद आएगी। आप इस रेसिपी को अपनी दावतों में ज़रूर बनाइएगा, बहुत ही मज़े की रेसिपी है। आपके मेहमान खुश हो जाएंगे और आपसे बार बार इस डेजर्ट की फरमाइश करेंगे। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक एंड कमेंट सेक्शन में जाकर अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा, फ्रेंड्स एंड फैमिली में शेयर कीजिएगा। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो के साथ जल्द आऊँगी, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।